मेरी माटी मेरी आन है तू। असलम, हम यहां क्यों रुक गए हैं? बॉर्डर तो अभी आ गई है। यहां से रेंजर का इलाका शुरू हो जाता है, हमें दूसरी जानब से सिग्नल मिलने तक यही इंतजार करना होगा। सिग्नल मिल गया, तैयारी कर लो। घोड़े पे एक एक बंदा, ऊंट पे दो दो। खबरदार, कोई कोई पुलिस के हाथ से नहीं चढ़ना। सब लोग पकड़ लो। खबरदार, कोई नहीं रहेगा अपनी जगह से। कौन कौन था साथ? कौन कौन है? हाँ, कौन है यहाँ? खबरदार भागना मत, खबरदार भागना मत, खबरदार रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ। बाप, क्या हुआ? जीवन का कुछ पता चला? सारा इलाका छान मारा, जीवन के दोस्तों से भी मिला, हवेली भी गया था, लेकिन किसी को जीवन की कोई खबर नहीं। ये जरूर उस मीरल के काम से गया होगा। पता नहीं ये बदबख्त कब हमारी जान छोड़ेगा। लेकिन वहां भी तो किसी ने कुछ नहीं बताया। हवेली का चौकीदार कह रहा था कि कल शाम के बाद जीवन हवेली आया ही नहीं। पर वो कहां गया होगा? इससे पहले तो उसने कभी बाहर रात नहीं गुजारी। वो शरीफ है, गाल सुन। ये कौन है? क्यों बांध रखे हैं उनको? गजब हो गया सरकार, रात को साहब ने छापा मारा, सारे पकड़े गए। के? ते असलम? मतलब बाकी सारे? कुछ फरार हो गए, पुलिस दे हत्थे नहीं चढ़। हाँ, मतलब मुझे चौकियों के मायने पे भेज कर असगर पीछे से ये कार्रवाइयां डालता रहे। देख लूंगा सबको, सबको देख लूंगा। सर जी, एक और बुरी खबर। हाँ? मास्टर कमाले का लड़का जीवन नहीं? हाँ? साहब ने उसको भी रात छापे में पटका दिया, मौके पर ही ढेर हो गया था वो। खार भोगी। अब्बा, ये शोर कैसा है? अल्लाह खैर करे। ये कौन है भाई? कौन है ये? किसका जनाजा लेकर आ रहे हो भाई? कौन है?
अब्बू जीवन, अब्बू जीवन, अब्बू जीवन, अब्बू, अब्बू, जीवन के कुछ, जीवन, अब्बू मेरा जीवन मेरा भाई, संभल कर कमाल है सबर, पर तेरे शहर में एक जवान धी भी बैठी है, तेरे से उसका कोई सहारा नहीं। ये कैसे हो गया, कैसे हो गया ये? जीवन, जीवन, पुलिस ने गोली चलाई थी जीवन पे। लाश क्या क्या किया उसको? लाश उसके घर भिजवा दिए सर। वैसे वो लड़का ऐसा था नहीं, न जाने कब इस खतरनाक धंधे में पड़ गया। ये इनसे कुछ सुराग मिला, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इनका सरगना कौन है? मुझे लगता है जो उस दिन मेरे पे हमला हुआ है ये भी इसी गैंग ने करवाया होगा। नहीं सर, ये सादा लोग देहाती हैं जिन्हें सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर ये इंसानी स्मगलर्स लूट लेते हैं। सर, इनके खिलाफ हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्ट के तहत पर्चा काट सकते हैं। सर, असल मुजरिम तो रात को ही फरार होने में कामयाब हो गए। कब तक बचेंगे मुझसे सर? एक ना एक दिन तो मेरे हाथ उनकी गर्दन तक पहुंचेंगे जरूर। सर, मैं नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ अपनी मुदियत में खुद पर्चा काटकर आपको उसकी नकल भिजवाता हूँ। सुनो। जी सर। तुम मुझे कुछ उस लड़के के बारे में बता रहे थे जो कल मेरे हाथ से मारा गया, कौन था वो? जी सर, उसका नाम जीवन था। सर, वो कोई आदि मुल्ज़िम नहीं था और ना ही उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत आई इस थाने में। सर, वो अपने रिटायर्ड हेडमास्टर साहब आपसे मिले थे ना, कमालुद्दीन, उसी का बेटा है जीवन। क्या? जी सर। कैसे हुआ ये सब कुछ? वो किसकी इतनी मजा लेके मीरल के इलाके में उसकी इजाजत के बगैर कार्रवाई करे? वो मीरल साहब, वो नया पुलिस अफसर। बकवास बंद कर, चुपचाप भाग कर आ गया और जीवन को भी मरवा दिया है। और लाले तो तेरी शक्ल, वो बंदे क्यों नहीं गिराए उनके? बाकी मैं संभाल लेता। वो मीरल साहब, वो सब कुछ बहुत अचानक हो गया, हमें संभलने का मौका नहीं दिया उन्होंने। और वो जानदाद किधर था? उसने क्यों नहीं मुखबरी की? जहां दाद वहां मौजूद नहीं था सही, और वैसे हमें किसी ने देखा नहीं। चुप कर, कुछ दिनों के लिए इलाके से अपनी शक्ल लेकर गुम हो जा। ठीक है सही। यार मीरल,
ये तो बहुत गलत हो गया, मेरा बड़ा नुकसान हो गया। धंधे में छोटे मोटे नुकसान होते रहते हैं शामिल, असल नुकसान पैसों का नहीं इज्जत का होता है। कई नस्लों से किसी ने हमारे सामने खड़े होने की जुर्रत नहीं की, ये पहला शख्स है जिसने कोई जुर्रत की है। हाँ वाकई यार, ये पुलिस वाला तो किसी के काबू ही नहीं आ रहा। तो कैसे नहीं आएगा काबू, इसे मैंने खुद ढील दे रखी है और मुझे तेरे धंधे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो तेरा धंधा दोस्ती यारी में चलने देता हूँ। यार मीरल, तू तो मेरी बात का पूरा ही मना गया है। तो नुकसान वाली बात तो ऐसे ही मेरे मुंह से फिसल गई थी। वो ये काम कुछ दिनों के लिए बंद कर देते हैं, फिर कर लेंगे। अच्छा चलता हूं मैं। क्या आप वहां जाएंगे ऐसे मौके पर? मेरा मतलब है अभी तो लड़के का स्वयं भी नहीं हुआ है, खानदान का जख्म अभी ताजा है, ऐसे मौके पर वहां जाना इलाके के लोगों को मुश्तैल भी कर सकता है। तुम खुद ही तो कह रहे थे असकर के जीवन उस खानदान का वाहिद कमाने वाला, बाप पहले मजदूर होकर रिटायर हो चुका, बहुत मुश्किल है उनकी आगे आने वाली जिंदगी। ऐसे में कुछ और नहीं तो ताजियत तो बनती है। ऐसा आप सोचते हैं, लोग नहीं, उमूमन ऐसे मौके पर बड़े से बड़े मुजरिम के खानदान वाले भी पुलिस वालों को ही इल्जाम देते हैं, उनके खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, मैं जानता हूं। लेकिन जो उस दिन मास साहब से मेरी एक मुलाकात हुई है उसमें मैंने उनको काफी सुलझा हुआ शख्स पाया। काश उस छापे में उनका बेटा मेरे हाथों ना मारा गया। ये सोचकर दो दिन से काफी परेशान हूं मैं, बहुत बेचैन हूं अंदर से। कोई अच्छा मौका देखकर मैं मां साहब की माली इमदाद भी करना चाहता हूं उसका, और ये काम तुम करोगे मेरे लिए, वो रकम तुम लेकर जाओगे मेरी तरफ से। ठीक है सर, ये काम हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन मेरा अब भी आपको यही मशवरा है कि इस वक्त आप वहां ना जाएं, और अगर इतना ही जरूरी है तो मैं खुद और थाने की बाकी नफरी लेकर आपके साथ चलता हूं। नहीं नहीं नहीं, किसी की ताजियत करने जा रहे हैं पुलिस लेकर जाना मायूब लगता, और मैं वहां ASP अरसलान बनकर नहीं बल्कि अरसलान बनकर सादा लिबास में जाना चाहता हूं, ताकि उन लोगों को एहसास हो कि पुलिस ने और कुछ नहीं सिर्फ अपना फर्ज निभाया, अंदर से हम भी उनकी तरह एक आम इंसान हैं जो किसी का दर्द समझ सकते हैं, उनका गम बांट सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन मुझे कम से कम इतनी इजाजत तो दें कि मैं खुद और चंद दूसरे अहलकार सादा लिबास में उस इलाके के आसपास मौजूद रहे। सर आप फिक्र मत कीजिएगा, किसी को कान और कान भी खबर नहीं होगी हमारी मौजूदगी की। आ गई अपनी सहेली को दिलासा देकर? जी साईं जी आ गई, लेकिन अपने सारे दिलासे भी वापस ले आई हूं। कभी कभी हमारी सारी तसल्लियां सारे दिलासे भी बेकार रह जाते हैं। सस्सी का गम बहुत बड़ा है मेरे दिलासों के सामने। ठीक कह रही,
कोई भी दिलासा भाई की लाश से ज्यादा भारी नहीं होता। मास्टर कमाला अच्छा आदमी, पुत्र भी तो उसका एक को एक था। तू कहती है तो खर्चा लगवा देता हूं हवेली से दोनों बाप बेटी का। बेटा और भाई चले गए हैं उनके, गैरत अभी बाकी है। चाचा कमाला और ससी कभी आपका कोई एहसान कबूल नहीं करेंगे, मैं जानती हूं। बड़ा जुल्म हुआ है उनके साथ। मैं बात करता हूं ऊपर वालों से। पीरल अपने इलाके में पुलिस की बदमाशी नहीं चलने देगा। हथकड़ियां लगवाऊंगा इन सबको, तो फिक्र ना कर। बात मान, शहर जा, वहां कोई ना कोई नौकरी लग जाएगी तेरी, और फिर शाम में तू पढ़ाई भी कर सकता है। अब भला पिंड में भी कोई आठवीं फेल को अपनी लड़की तो नहीं देगा। मेरी फिकर छोड़, तू अपनी फिकर कर। मुझे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगी, और पहले तो मुझे तुम्हें किसी के पल्ले बंधवा कर यहाँ से निकलवाना है, और फिर यहाँ पर सिर्फ मेरा राज होगा। फिर यहाँ पर सिर्फ मेरा राज होगा। होशियार ही नहीं जानता था। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। वारंट कैसे जारी हुआ, और तेरे होते हुए रात का इतना बड़ा छापा कैसे पड़ गया? संगमेश, नमक हरामी की सजा तो याद है ना? हाँ हाँ सही, पुराना वफादार हूं आपका। सही सही, कब्र में कीड़े पड़े नमक हरामी करने वाले, और आप खुद भरोसा है, जानदाद कुछ भी कर सकता है, नमक हरामी नहीं। और सही, मैं उस रात था ही नहीं कस्बे में, मुझे एसपी साहब ने चौकियों के मायने पे भेज दिया था। और तो और वो है ना शोरकोट का थानेदार रमजान, चिपका दिया था उसको साई मेरे साथ। साई यकीन नहीं है ना तो तफ्तीश कर। और नहीं है यकीन तुझ पर? नहीं है, और तफ्तीश तो मैं जरूर कराऊंगा, और मुझे पता चल गया ना कि तूने गद्दारी की है मेरे साथ, तो इधर तेरे हाथों से तेरी कब्र खुदवाऊंगा। मैं हाथ को खोदूंगा सही, वफादार हूं आपका, दो दारी खोलूंगा। लेकिन सही सोचने की बात है, इतना बहादुर और काबिल अफसर छोड़ के एएसपी सिपाहियों के साथ चला गया खुद। सही कोई तो बात है ना सही, क्या करूं मैं तेरी इस नाम की बहादुरी का? चाटू, मेरे दोस्त के सामने जो मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी उसका के? भाई एक बारी जायदाद की बादरी पे लगे हुए जंग वाले ताले को खोलें सही। मेरा मतलब है साईं, मिनिस्ट्री में बात करें 10 मिनट में ये फारग हो जाएगा। फिर साईं मेरा राज, मेरा मतलब है पूरे इलाके पे, समझे आप ही का राज होगा ना साईं। बात की है मैंने बाबा साईं से। हाँ साईं, लेकिन एक मसला है। फिर मसला सुन, मैं सारी बात नहीं बता सकता बाबा साईं को, ये बात मैंने छुपा कर रखी है। उस रात मेरे बंदे भी वहां थे, मैंने असलम को गायब करा दिया, और ये बात तूने छुपा कर रखनी है, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जो हुक्म सही। Thank you.
बहुत अफसोस हुआ। दुआ कर लो। कितनी अजीब बात है करीमे, जिन्होंने इनका जवान बेटा मारा है आज वही पुरस्कार देने के लिए आए बैठे हैं। क़यामत की निशानी। आपसे दो मिनट अकेले में बात हो सकती है। सुसी बेटा, तू बोला जिसने मेरे भाई के ऊपर गोली चलाई थी, अब यहाँ क्या लेने आया? क्या तमाशा देखने आया? छोड़ साहब का गरीब भाई, बात करके क्या देखने आया हो यहाँ पे? क्या तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी भाई? खैरा क्यों आए हो? अरे आज कोई भाई संभालो इसको, छोड़ दे गरीब साहब का। तुम देख लेना तुम्हारा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। तुम कातिल हो, कातिल हो मेरे भाई के, मेरे मासूम भाई के कातिल हो। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम कभी खुश नहीं रहोगे, जिंदगी भर कभी खुश नहीं रहोगे। तुम देखना तुम्हारा कोई अंजाम नहीं है, तुम हमेशा इसी तरीके से दूध रोते रहोगे। तुम कातिल हो, कातिल हो। तो आईजी साहब का पीए लाइन पर है, सुबह से 3-4 बार उनके दफ्तर से कॉल आ चुकी है। जी एएसपी अरसलानी, आईजी साहब को फोन दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, एएसपी अरसलानी। वालेकुम सलाम। अरसलान जी तुम्हारी तरफ क्या हंगामा है? उस बॉर्डर साइट पर ह्यूमन स्मगलिंग वाले केस का क्या हुआ? और तुमने मुझे कोई मजीद अपडेट्स नहीं दी। हम असल मुल्जमान का जल्दी सुराग लगा लेंगे सर, वी आर ऑन इट। देखो अरसलान, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारे इलाके की पॉलिटिकल एलीट ने मिनिस्ट्री में बहुत हंगामा मचा रखा है। और वो इलाके का जागीरदार क्या नाम है उसका? पीरल, होम मिनिस्टर साहब की पार्टी का खास बंदा है। उसे होम मिनिस्टर साहब से शिकायत की है कि पुलिस ने जाली मुकाबले में लड़के को मरवाया है। और वो तो वाकई की इंक्वायरी के ऑर्डर जारी करवाने पर तुला हुआ है। मुझे पता चला सर, लेकिन हमने कानून के मुताबिक एक्शन लिया सर। हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से रात को ही लड़के का पोस्टमार्टम भी करा लिया था सर, ताकि बाद में इल्जाम तराशी ना करें। जब तक ये सारे मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो जाते, ये पीरल चैन से बैठने वाला नहीं है। हाँ, तुम जाकर ना इलाके के मोतबरीन से मिलो। ये तुम्हारी पहली पोस्टिंग है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आएं और कोई बदमजगी हो। मैंने एसपी से भी कहा है कि वो जागीरदार से जाकर मिले। सर, सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करो ऑफिसर। ये समझो कि ये तुम्हारा एक टेस्ट है। और एक अच्छे ऑफिसर को काउंसलिंग का हुनर भी आना चाहिए। राइट सर, हुक्म की तामील होगी सर। गुड।
हमारे घर क्यों आया था? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? तुमने उसे घर में घुसने क्यों दिया? बेटा बड़ा अफसर है, वो उसे भला कहीं आने जाने पे कौन रोक सकता है? इलाके का माई बाप है। बड़ा अफसर होगा, मेरे लिए वो मेरे जीवन का कातिल है। उसे मेरी बद्दुआ लगेगी, वो कहीं भी सुकून से नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा। वो यहां भी तेरे भाई के पुरसे के लिए ही आया था। पुलिस तो कभी बंदा मार कर पीछे पलट कर नहीं देखती, ये तो उसका जर्फ है कि वो दुआ और अफसोस के लिए चला आया। नहीं चाहिए मुझे कातिल का पुरसा, पर अब्बा तुम अपने बेटे के कत्ल को भूल गए? कुछ भी नहीं भूला हूं मैं। जवान लड़का मर जाए तो बूढ़े बाप की कमर टूट जाती है। तुम मुझे ये बताओ कि उस अंधेरी रात में जीवन वहां क्या करने गया था, और वो बंदे जो पुलिस वालों ने सरहद पार करने के जुर्म में गिरफ्तार किए थे, जीवन का उनसे क्या ताल्लुक था? मैं नहीं जानती कुछ, मैं बस ये जानती हूँ कि मेरा जीवन मासूम था, बेकसूर था। उसको फंसाया गया है, और जो पुरसा देने औरतें आई थी ना, वो भी यही कह रही थी कि इन पुलिस वालों के लिए कुछ मुश्किल नहीं, कि कहीं से भी किसी भी बंदे की लाश उठा के कहीं और डाल दें। अब्बा क्या पता कि जीवन मौका है वारदात पर हो ही ना, वो गया ही ना हो वहां पे। क्या सच है और क्या झूठ, ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है, वही हमारा इंसाफ करेगा। वैसे भी गरीब और लाचार के पास सिवाय बद्दुआ के और क्या चारा होता है? उसकी आंख कभी कभी उसका सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। मैं भी अपने बेटे का मामला अल्लाह पे छोड़ता हूं, जिसने भी उसको इस हाल को पहुंचाया है उसे मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा। आप फिक्र नहीं करें पीरल साईं, इंशाल्लाह पूरा इंसाफ होगा। आईजी साहब ने खुद इस बात का नोटिस लिया है, जिम्मेदारों के खिलाफ तहकीकात होंगी, कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। बड़ी मेहरबानी है जी आईजी साहब, आप कहते हैं तो मैं लोगों को कह देता हूँ कुछ दिन और सब्र कर लें, वरना वो तो थाने का घेराव करने वाले थे। बड़ा गुस्सा है जी शशि के घर वालों में, जवान जहान लड़का मार दिया पुलिस ने। मैं जज्बात समझ सकता हूँ, आप फिक्र नहीं करें इंसाफ होगा। देखें मैं खुद इतनी दूर आपके पास सफर करके हाजिर हुआ हूं। क्या इंसाफ? तुम्हारे पुलिस वालों ने हमारे इलाके का बंदा मार दिया, इंसाफ तो तब होगा जब जीवन के कातिल सलाखों के पीछे नजर आएंगे। और आप खुद तो इतनी दूर से चलकर आए हो, लेकिन वो आपका ईएसपी नजर नहीं आ रहा। बुलाया जी उसको, आता होगा अभी थोड़ी देर में।
फुल मोतिये दमार के जगा सुनिए एक फुल मोतिये दमार के जगा सुनिए बाजार विकांदे कंगन बाजार विकान। जनाब आपने बुलवाया था? जनाब मैं? आओ जी इंस्पेक्टर साहब, आजकल कोई लिफ्टे शिफ्टे नहीं है एसएस साहब के लिए, हैं? वासन मेरी सब ने इधर से चले जाना है, बाद में कम वक्त यही रह जाना है जानदार सांप की तरह तुम्हारे सीनों पर। नहीं जनाब ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो रिकॉर्ड रूम की सफाई करवा रहा था एएसपी साहब के हुक्म से। ओ कहर पवी, तू तेरा एएसपी और हुक्म दे, आजकल दोसी को गम चल रहे हैं ना। सुना सुना है आज बड़ी हवेली में पेशी है साहब की, इसीलिए बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं इंसान इतनी फुदकियां मारे जितनी बाद में संभाल सके। भी देखना कितने दिन टिकता है तुम्हारा साहब, जाने वाला है जल्दी, समझा है? शायर आगदा है वो एक फुल मोतिये दमार के जगा सुनिए वो एक फुल मोतिये दमार के जगा सुनिए। यस मैं अभी कह देता हूं अपने इलाके में किसी पुलिस वाले की बदमाशी नहीं चलने दूंगा। जिस पुलिस वाले ने जीवन पर गोली चलाई है उसका यहां जोग सियाल के थाने में पर्चा कटेगा। पुलिस बदमाशी करने के लिए नहीं, बदमाशों की बदमाशी खत्म करने के लिए लगाई जाती है। मेरे बहुत से गवाह और सबूत ये बताते हैं कि जीवन और उसके कुछ मफरूर साथी उस रात को वहां जमा हुए थे कुछ लोगों को गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करवाने के लिए। असली मुजरिम भी हवालात के पीछे होगा। जल्द हम किसी के मफरूजों पर एतबार करके हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकते। पता नहीं कहां से 6-7 देहाती पकड़ के थाने में पुलिस ने बंद कर दिया और एक नई कहानी घड़ ली। मुझे कहानियां घड़ने की आदत नहीं है, कहानियां तो जीवन की मौत के बाद घड़ी जा रही। अच्छा हुआ एसएसपी साहब आप यहां मौजूद हैं आज, मुझे आपकी मौजूदगी में कुछ अहम लोगों से तफ्तीश करनी है जिनका ताल्लुक हवेली से। ए? क्या मतलब है तेरा? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हवेली पर उंगली उठाए? असलानी ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बहुत सोच समझ कर बात कर रहा हूँ सर, मुझे मीरल के खास आदमी असलम से तफ्तीश करनी है। मेरी इत्तला के मुताबिक जीवन को आखिरी दफा उसी के साथ जाते देखा। लगता है तू होश में नहीं है, वरना तू कभी इस तरह की बात नहीं करता। असलम कहाँ है मेरा? बुलाओ उसे। और अगर ना बुलाऊं तो मैं खुद उसे ढूंढना होगा, चाहे वो जमीन की 7 तहों के नीचे क्यों न छुपा। बस बहुत हो गया। मेरी मट्टी